वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बटर चिकन, जिसके लिए मैंने 2.25 किलो चिकन ले ली है और उसे अच्छी तरीके से धो करके रख लिया है। और इसे मैंने छन्नी में रखा था ताकि एक्स्ट्रा इसको जो पानी है वो निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टीस्पून भर के तीखी वाली एवरेस्ट की लाल मिर्च में डाल रही हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और वहीं मैंने 150 ग्राम दही लिया है, उसे भी हम इसमें फेट करके डाल देंगे। तो 150 ग्राम दही ले लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ नमक, यानी कि बस 1/2 टीस्पून हम डाल दें क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना होगा नमक। तो इसमें हम इतना डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को, सारे मसालों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। और जो बड़े बड़े पीस थे उसमें देखिए इस तरीके का हमें कट लगा के रखना है ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर तले के बोटियों में मिल जाए। तो इस तरीके से मिला करके हम इसे रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक के, जब तक हम अपने दूसरे मसालों की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन रख दिया है हमने चिकन को फ्राई करने के लिए, जो मैरिनेट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा तेल इसमें हमने डाला है और इसमें हम डाल देंगे बटर। तो इसे इस टाइम बटर डालने से हमारी चिकन फ्राई जो हम करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा इसमें। वैसे भी हम बना रहे हैं बटर चिकन, तो बटर तो यूज़ होने वाला है, तो हमने बटर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम धीरे धीरे इसमें सारे पीस ऐड करते जाएंगे, जितने इस पैन में आएंगे उतने हमें लगा देना है इसमें अच्छी तरीके से। इसमें हमें इसे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम टर्न करते रहेंगे और अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे और पानी पूरा सोक कर देंगे। हमारा चिकन भी 80% इसमें कुक हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, तब तक के हमें इसे पकाना है। तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं सारे चिकन को, फिर दिखाते हैं आपको। तो फिर से हमने पैन रख दिया है, इसमें हम अपने मसाला ग्रेवी का तैयार करेंगे। तो इसमें मैं बटर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने तेल भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 5-6 इलायची हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से जावित्री के टुकड़े डाल देंगे। इन्हें हल्का सा चला करके डाल देंगे हम इसमें प्याज। तो 5 मीडियम साइज की प्याज थी और उसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, मोटा मोटा काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से, अब इसमें हम डाल देते हैं 5 टमाटर हैं जो मैंने इसे मोटा मोटा काटा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हमने चिकन को मैरिनेट करने में भी डाला था, तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से काजू, 20 से 25 काजू होंगे। और इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच भर के रेड चिली और इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसमें 2 चम्मच भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसमें 1/2 कप हम पानी डाल दे रहे हैं ताकि टमाटर और प्याज हमारे सब मसाले पक जाएँ अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएँ। और इसे हम ढक करके पका लेंगे कम से कम टमाटर हमारे अच्छे तरीके से, जब तक नरम नहीं हो जाते हैं। तो इसे ढक देते हैं हम। तो देखिए चिकन हमारा काफ़ी हद तक के पक गया है और ये इसमें तेल छोड़ दिया है, इसी में हमें इसे फ्राई कर लेना है ताकि इसमें थोड़े हल्के हल्के डार्क मांस जैसे पड़ जाए। ये देखिए हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है इसे, बस 2-3 मिनट और लगेगा, फिर इसे निकाल लेते हैं हम। तो जो ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार कर रहे थे वो देखिए अच्छी तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और अनियन भी हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए आराम से ये दब रहा है, तो इसे हम बंद कर देते हैं फ्लेम और इसे कर लेते हैं हम इसे ठंडा। इसमें जब तक कि इसे ठंडा करना है, हम इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं। मिला देते हैं इसमें और इसे कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से ठंडा। तो देखिए काफ़ी हद तक इसे मैंने ठंडा कर लिया है,
इस स्टेज पे जरा भी जल्दबाजी नहीं करना है, इसे बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करना है, वरना जब हम पीसेंगे तो हमारा जो मिक्सी का जार का ढक्कन होता है वो उड़ सकता है, तो प्लीज केयरफुल। और इसे अब हम डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। चलिए, हमने पैन रख दिया है, इसमें हमने जो चिकन फ्राई करके रखा है वो हम सारा ही इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने मसाला पीस के रखा है, ग्रेवी जो हमने बना के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। इस जार को खंगाल के हम थोड़ा इसमें पानी भी डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं आधे गिलास के बराबर, और इसे हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दे ताकि सारी पीसेस में हमारे मसाला वो हो जाए, मिल जाए। दो मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं। ग्रेवी में हमारे ना बॉयल आ चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे काफी सारा बटर। तो इसे मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे इसे छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट हो गए इसे स्लो फ्लेम पे पकते हुए। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, तो थोड़ा सा गरम मसाला हमें डालना है 1/2 टीस्पून के करीब, वो हम इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा बटर चिकन बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।